आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुक कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राज्य स्तरीय प्रगतिशील किसान सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को दोपहर 2 बजे तक संबोधित किया और राज्य स्तर पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले उन्नत और प्रगतिशील कृषकों, स्व सहायता समूहों, संस्थाओं को सम्मानित भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सच्ची बात कार्यक्रम में शिरकत भी की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गोधन योजना कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उनके साथ कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने गोधन न्याय योजना के बारे में जानकारी दी। अधिकारीगण उपस्थित, हमारे पशुपालक भाइयों, बहनों और सभी किसान साथियों, आज एक और किस्त गोधन न्याय योजना का आज जारी किया गया। सभी साथियों को, गौपालकों को और गोबर संग्राहकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। वैसे 1 दिसंबर से हम लोगों ने धान खरीदी शुरू की और जो माहौल धान खरीदी केंद्रों में दिखा, छत्तीसगढ़ में वैसे तीज त्योहारों की कोई कमी नहीं, लेकिन 1 दिसंबर को सभी सोसाइटियों में जो किसानों ने उपस्थित होकर जो धान विक्रय किया और हमारे मुख्य सचिव सहित सारे अधिकारी सभी केंद्रों में जाकर अपनी उपस्थिति दी, जनप्रतिनिधियों ने भी उपस्थिति दी और जो उत्साह दिखता है वो किसी त्यौहार से कम नहीं था। और केवल 3 दिन में 4,43,000 टन से ज़्यादा धान हम लोग खरीद चुके हैं। 2016-17 में जब हम लोग सरकार में नहीं थे तब पहले 3 दिन में मात्र 93,567 टन धान खरीदी हुई थी। 2017-18 में मात्र 81,000 और 18 में दिसंबर माह में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने जो 2,500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करने की घोषणा की थी उस साल आवक बढ़ी और हम लोगों ने उस साल 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। किसानों को जब पसीने की अच्छी कीमत मिली तो 2019 में उत्पादन बढ़कर 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। 2020 में 92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई और इस साल लगभग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में 12 से 14 जनवरी तक राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के सफल आयोजन के संबंध में उच्च स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। महोत्सव का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में होगा। महोत्सव में 15 से लेकर 40 साल तक के प्रतिभागी शामिल होंगे। आपको बता दें, रोज सुबह 9 बजे से रात 8:30 बजे तक प्रतियोगिताएं होंगी। इस बैठक में कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे भी उपस्थित रहे। आज बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम किया। वहीं एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के अम्बेडकर चौराहे पर बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम शिवराज ने भारत के संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भोपाल के बोर्ड चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की शिक्षाओं को आत्मसात कर उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। अरे नीचे तो करो, अभी आए कि नीचे तो करो, आए हैं बाबा साहब अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। वो भारत के संविधान निर्माता हैं, उन्होंने हमें संविधान दिया। वो सोशल रिफॉर्मर थे, वो महान शिक्षाविद थे, वो सामाजिक समरसता के पक्षधर थे। उन्होंने गरीबों के लिए,
वो वीआईपी की आईडी नीचे करो, वीआईपी मुस्लिमों के लिए जीवन भर उनके हितों के लिए उनकी जिंदगी बदलने के लिए लगातार प्रयास किया, संघर्ष किया और भारत का संविधान उनकी देन है। हम संविधान को भी प्रणाम करते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलकर मध्य प्रदेश की सरकार भी सामाजिक समरसता के साथ न्याय सबको और सबसे पहले वो जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, जो सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनके कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाई। अरे वीआईपी नीचे कर, और मध्य प्रदेश की सरकार भी कल्याणकारी योजनाएं बना के सबके कल्याण और उत्थान के काम में जुटी हुई है। बाबा साहब के चरणों में प्रणाम। एमपी में कोरोना वैक्सीन के 9 करोड़ से ज्यादा डोज पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने इस काम में सक्रियता से जुड़े सेवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य, स्वास्थ्य कर्मियों और जनप्रतिनिधियों का आभार माना है। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट और तीसरी लहर को प्रदेश में आने से रोकने के लिए टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। एमपी में बढ़ते कोरोना को देखते हुए कॉलेज छात्रों के हित में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए। छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षाएं अब ऑनलाइन आयोजित होंगी। इसकी जानकारी खुद उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने ट्वीट कर दी है। सिंह चौहान ने ये निर्देश दिए हैं कि अब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसको देखते हुए अब ऑनलाइन होंगी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। बढ़ते कोरोना के बीच शिवराज सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। अब ऑनलाइन होंगी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को बदहाल बताया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन अब सम्मित की ओर है, ऐसे में हर चुनाव से पलायन की कोशिश करने वाली कांग्रेस एक और हार के डर से पंचायत चुनाव का विरोध कर रही है। चुनाव कोई भी कराए आप, कांग्रेस उससे पलायन की पहले पूरी कोशिश करेगी। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों नहीं? कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, जो अदालत जाएगा उसका समर्थन करेंगे, कांग्रेस जाएगी, ये कह रहा जाएगी, ये कह रहा नहीं जाएगी। अरे ऊहापोह में क्यों भाई, जनता के बीच चलो, कहीं मत जाओ, जनता के बीच जाओ। लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है, अपनी अपनी विश्वसनीयता जनता से मोहर लगाओ। 28 चुनाव पहले हारे, अभी 4 उपचुनाव में हार के बैठे हैं, 3 में, तो वो जानते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का क्या हासिल होगा। अच्छा, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, कोई भी चुनाव हो उनके और उनके जो बयानवीर लोग आते हैं वो चुनाव के दिन तक कहते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है। जैसे ही वोटिंग समाप्त होती कहने लगते हैं प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पैसे को पानी की तरह बहाया है और बिल्कुल रटा हुआ है। आप पिछले दिन
मध्य प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री विश्वास सारंग ने बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम सब ने मिलकर संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्मरण कर ये संकल्प लिया है कि इस देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए हम सब मिलकर बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान का पालन करेंगे। आज हम सब ने मिलकर इस देश के संविधान को निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्मरण किया और इस बात का संकल्प लिया कि उन्होंने इस देश को इस दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत प्रजातंत्र बनाने के लिए जो संविधान का निर्माण किया उस संविधान का हम अक्षरशः पालन करेंगे। इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश के उन्नयन उद्यान के लिए, विकास के लिए ये जरूरी है कि हम सब मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान का पूरी तरह पालन करें, हर नियम। बीजेपी नेता और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता ने सिंधिया को गद्दार कहते हुए हमला बोला, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी पोल खोलना नहीं चाहता। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि इतिहास इस बात का साक्षी है, एक व्यक्ति गद्दारी करता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दारी पर गद्दारी करती है। दिग्विजय के इस बयान पर सिंधिया ने कहा, उन पर मैं क्या कहूं, उनकी आदत ही यही है, मैं उनकी पोल खोलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे उनके स्तर तक जाना नहीं है, जिस स्तर तक वे गए हैं उस पर मुझे अफसोस है। मैं क्या कहूँ, अब इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनकी आदत ही यही है, अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके स्तर तक मैं जाना नहीं चाहता। जिस स्तर तक वो गए हैं मुझे तो अफसोस है कि इतने बुजुर्ग और इतने राजनीति में परिपक्व होते हुए नेता, कहीं तो कांटा चुभ रहा है ना। सुन लीजिए ना, कहीं तो कांटा चुभ रहा है, और कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। मेरी आदत नहीं है उस स्तर तक जाने की। सिंधिया परिवार का एक स्तर है, उस स्तर को मैं बनाए रखूंगा। वो जितना भी उकसाने की कोशिश करें वो उनका ही स्थिति, उनकी अंतरात्मा की स्थिति दर्शाती है और उनका ही मानसिक संतुलन दर्शाती है। और जो उन्होंने कहा है गद्दारी के बारे में, मैं तो एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, और जो कहे कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो 370 हटाए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई हेठ पंजाब सरकार ने लोक हितां लई लए कई फैसले। नरमे की फसल खराब होने ते किसानां नूं प्रति एकड़ 17,000 रुपए अते नरमा चुगण वालियां नूं 10% मुआवजा दिता जा रहा है। किसानी संघर्ष दौरान शहीद होए किसानां दे परिवारां नूं दित्ती जा रही है सरकारी नौकरी। पूरे पंजाब विच 1,00,000 नौकरियां अते 36,000 कच्चे मुलाजमान नूं पक्कियां कीता जाएगा। ग्रुप डी दी भर्ती हुण रेगुलर होए करेगी, आउटसोर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला काम खत्म। 2 किलोवाट तक दे लोड दे खपतकारां दे 1500 करोड़ रुपए दे बिल माफ कीते गए। बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट कटा के पंजाब बनिया सस्ती बिजली देण वाला देश दा मोरी सूबा। 2,85,000 बेजमीने अते खेत मजदूरां दे कर्जे माफ कीते जाणगे। 1,168 करोड़ रुपया जेड़ा पिंडां दीआं पंचायतां पर खड़ा सी ओह भी खत्म कर दिता।
झोने की निर्विघन खरीद और समय सिर अदायगी यकीनी बनाया गया। जिन्हें फसल इस साल वधिया चक हुई है 24 घंटे तो 48 घंटे दे विच पेमेंट हुई है। लाल लकीर अंदरां दे घरां नूं मिल रहा है मालकाना हक। पूरे पंजाब दे विच 25,000 EWS दे मकान बना के गरीबां नूं असीं देण लगे हैं, ऐसी मजदूरी दे दित्ती है। किसान जत्थेबंदियां दी मीटिंग दौरान किसानों दीयां लगभग सारियां मंगां नूं कीता प्रवान। पेट्रोल दे 10 रुपए अते 5 रुपए डीजल दे कटा के पंजाब बनिया सस्ते तेल वजों उत्तर भारत दा पहला सूबा। रेत दा पिट दा रेट कीता 5.5 रुपए प्रति फुट। सारा रेत माफिया खत्म। ऑटो रिक्शा चालकां रेड़ियां ते लगे जुर्माने माफ कीते जाणगे। प्राइवेट बसां दी धक्केशाही ते लगाई लगाम अते टैक्स भरे बिना सड़कां ते नहीं उतरण गियां बसां। 842 नवीं बसां ले रहे, 105 बस अड्डे बना रहे असीं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अते पंजाब सरकार दा इक्को सुपना, सब नूं मिले हक अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों की ओर रुक कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अब अधिकारी कर्मचारी बिना इजाजत के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। वहीं निर्वाचन काम में सभी कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव 2021-22 का कार्यक्रम होने के चलते सतना जिले के सभी विभागों के सभी अधिकारी कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन कार्यालय के नियंत्रण में आ गए हैं। किसी भी अधिकारी कर्मचारी की सेवाओं की जरूरत किसी भी समय कभी भी पड़ सकती है। एमपी के रीवा के ग्राम पंचायत शतैनी का हाल बेहाल है। वहां पर पदस्थ सरपंच सचिव की तरफ से निर्माण काम के नाम पर तो व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार किया ही गया, लेकिन आम जनता के साथ भी धोखाधड़ी करने का मामला सामने आने लगा। बता दें कि सियाकली आदिवासी अंसरा निवासी को प्रधानमंत्री आवास दिया गया था, आवास पूरा नहीं हुआ, छत नहीं डाली गई, लेकिन रोजगार सहायक और सचिव ने निर्माण काम पूरा दिखाने के लिए किसी दूसरे भवन की फोटो खींचकर पूरी राशि दे दी। काम अब भी अधूरा पड़ा है। आखिर गांवों का विकास सही मायने में कैसे हो सकता है जब अधिकारी ही भ्रष्टाचार के मामलों को अनदेखा कर रहे हैं। ग्वालियर की महाराजपुरा थाना पुलिस ने कांग्रेस नेता भीकम सिंह और 3 अन्य के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने और 1 करोड़ रुपए की मांग करने का मामला दर्ज कराया है। मामला प्रॉपर्टी विवाद का बताया जा रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार महाराजपुरा थाना क्षेत्र के गिरगांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बड़े से घर में लोग आपस में झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। इस वीडियो के बारे में चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस नेता भीकम सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर रंगबाजी दिखाते हुए मानसिंह के घर में घुसकर मारपीट की। एमपी में कांग्रेस की कद्दावर मुस्लिम नेता नूरी खान ने रविवार की रात इस्तीफा दे दिया था। नूरी खान ने अपने फेसबुक पेज पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। इस पोस्ट में अपनी पार्टी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। नूरी खान ने कांग्रेस पर मुस्लिमों की उपेक्षा का आरोप लगाया था। इन आरोपों से पार्टी के अंदर खलबली मच गई, मगर 1 घंटे के अंदर ही नूरी खान ने पलटी मार दी। कमलनाथ से मुलाकात के बाद नूरी ने इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस छोड़ने की पेशकश करने वाली नूरी खान पूर्व में भी कई वजहों से चर्चा में रही हैं।
छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के चौपाटी मैदान में आज सर्व पिछड़ा वर्ग संगठन की तरफ से पेशा कानून पांचवी अनुसूची में बस्तर के मूल निवासियों को शामिल करने की मांग को लेकर जिला स्तरीय सम्मेलन सह रैली का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी तादाद में जिले में रहने वाले पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। आज वीर नारायण सिंह चौपाटी मैदान का नजारा ऐसा था कि मानो मैदान में पैर रखने की जगह नहीं बची। मैदान पूरी तरह खचाखच भरा हुआ नजर आया। वहीं वीर नारायण सिंह चौपाटी मैदान से रैली निकालकर लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। संभाग के या पांचवी अनुसूची में जितने भी के शामिल है जिले में जनजाति को लाभ से वंचित किया जा रहा है। हम आज इस सभा के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो मूल निवासी बराबर लाभ दिया जाए, जो ग्राम सभा का गठन होगा उसमें बराबर की हिस्सेदारी दिया जाए। हमारे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां का ग्राम सभा जो सम्मेलन है जिला स्तरीय सर्व समाज पिछड़ा वर्ग के द्वारा आयोजित किया गया है। आज हम सब लोग पेशा कानून शुरू से ही लागू है, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू करने के बारे में जो शासन प्रशासन के बीच में चल रहा है, निवासी है, हम आदिवासी भाइयों के समकक्ष है, हम लोगों को संस्कृति है, खर्च होने शामिल किया जाए और इसमें किसी प्रकार का कोई भी, जैसा कि लेकर बहुत दुखी हैं और इसीलिए आज सांकेतिक धरना बोलिए भारत माता की ज्ञापन सौंपने हम अपना अधिकार मानते हैं। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, शामिल करना होगा, एमपी के भिंड जिले के अकोड़ा शासकीय महाविद्यालय में एक दिवसीय जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर डीएस तोमर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है और उन्होंने कहा कि किसी भी खेल में हिस्सा लेने से शरीर और स्वास्थ्य फिट रहता है, साथ ही खेल में अपनी प्रतिभा के बल पर सफलता और अवसर मिलता है। तो वहीं अकोड़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता में एक से एक वॉलीबॉल के स्टेट लेवल के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें महिला और पुरुष वर्ग की टीम ने भाग लिया, जिसमें आलमपुर की टीम ने अकोड़ा को 14 गोलों से हराया और जीत हासिल की। शासकीय महाविद्यालय में आज जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया पुरुष एवं महिलाओं का, जहां पर हमारे साथ हैं आज स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर डी एस तोमर साहब, इनसे हम बात करेंगे जो टूर्नामेंट के बारे में। बताएं सर, आज जो टूर्नामेंट किया गया है उसमें आलमपुर की टीम और अकोड़ा की टीम के बीच टूर्नामेंट में प्रतियोगिता थी, उसके बारे में बताएं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन का सौभाग्य शासकीय महाविद्यालय अकोड़ा को प्राप्त हुआ था। आज दो टीमों ने यहाँ भागीदारी की, जिसमें शासकीय महाविद्यालय आलमपुर और आयोजक महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय अकोड़ा के दो टीमों के बीच में ही मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बेस्ट ऑफ थ्री के आधार पर शासकीय महाविद्यालय आलमपुर को विजेता के रूप में आज अवसर मिला। और सर, एक महिला की टीम भी थी जो कि फाइनल टीम के लिए चयनित की गई है, महिला की टीम को, उसके बारे में क्या कहना रहेगा आपका? ये बड़े एक अजीब सा संयोग कहा जाएगा, एक जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके बावजूद भी
किसी भी शासकीय या अशासकीय महाविद्यालय की महिला वॉलीबॉल टीम ने भाग लेने की जरूरत नहीं महसूस की आयोजक महाविद्यालय की छात्राओं को, क्योंकि केवल एक अकेली टीम थी, इसलिए उनको विजेता के तौर पर घोषित किया गया। जैसा कि सन्ने बताया है कि अकोड़ा और आलमपुर की टीम के बीच मैच हुआ था, जिसके बाद जिसमें आलमपुर की टीम ने विजेता रही और वहीं जिला स्तर के लिए चिन्हित महिला टीम को घोषित कर दिया गया। भिंड से एनवील के लिए कैमरा पर्सन के साथ आकाश कुमार की रिपोर्ट। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।